भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर 200% शुल्क लगाने के प्रस्ताव को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। उच्च सदन ने मसूर, बोरिक एसिड और डायग्नोस्टिक व लेबोरेटरी रीजेंट्स पर भी बेसिक सीमा शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी छीन लिया था। केंद्र सरकार ने प्राइवेट ट्रेन चलाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बजट में इस बात का संकेत दिया गया है कि निजीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका रेल यूनियन ने विरोध करने का निर्णय लिया है, लेकिन आपको बता दें दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन होगी। IRCTC से कहा गया है कि वह इसके बारे में प्रस्ताव को 10 जुलाई तक अंतिम रूप दे दे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता संसद परिसर में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में पार्टी संसद सत्र और कर्नाटक समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले 2 जुलाई को संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों के करीब 380 सांसदों के लिए काम का एजेंडा तय किया था। किसी संदिग्ध व्यक्ति को आतंकी घोषित करने के लिए अवैध गतिविधि रोकथाम कानून में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर कुल 6 संशोधन विधेयक एक साथ लोकसभा में पेश किए गए हैं। विपक्ष की ओर से इसके दुरुपयोग की आशंकाओं को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए बनाए जा रहे कानून पर पूरी तरह से एकजुटता दिखानी चाहिए और इसका विरोध करना सही नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों ट्विटर और फेसबुक से बेहद नाराज हैं। बता दें कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बुलाए गए एक समिट में इन दोनों ही कंपनियों को नहीं बुलाया है, जहां ट्रंप सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल करते हैं। वहीं पिछले कई समय से दोनों ही कंपनियां रिपब्लिकन पार्टी के विचारों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ब्रायन ने कहा संसद सत्र के 13 दिनों में 7 बिलों को पारित किया गया है, जहां पर ये सभी अध्यादेश थे और सभी बिलों को किसी भी विधायी जांच के लिए नहीं भेजा गया। ये निराशाजनक है, इसलिए विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार ने क्रेडिट छीन लिया है। मथुरा के मंडी परिसर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बरखा बहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को भी आमंत्रित किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सजीव बालियान ने किया। आपको बता दें करीब 2 साल से सपना चौधरी मथुरा में कार्यक्रम करने के लिए बार बार अनुमति लेने के प्रयास में लगी थी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने ही सपना के कार्यक्रम का विरोध जताया था। आज ब्रज में आप आइए, यहाँ पर प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति देंगी, कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे ब्रज में? बहुत दिन से वेट में थी, बहुत प्रतीक्षा की है इस दिन के लिए और 2 प्रोग्राम पोस्टपोन हुए और नो डाउट सबकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आज यहाँ की पूरी अरेंजमेंट को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से अच्छे से निमट जाए पहले। ADG सुरक्षा दीपेश जुनेजा और IG समेत चंद्र मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और यहां एक बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी पुराने उपकरणों को बदलने के दिशा निर्देश भी दिए गए। ADG सुरक्षा दीपेश जुनेजा ने बताया एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जो कि सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है, आपको इसकी जानकारी है, पूर्व में भी मीटिंग लगातार होती रही है इसमें, तो सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको देखना और सुदृढ़ करना और जितने लोग यहाँ तैनात हैं, जितने उपकरण यहाँ तैनात हैं, ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। साथ में जो जितने भी
व्यक्ति आते हैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, दर्शनार्थी जितने भी आते हैं उनको कोई कठिनाई हो रही कि नहीं हो रही, ये भी हम लोग देखते हैं, इनसे पूछते हैं, वार्ता करते हैं। बहराइच में एक मादा बाघिन ने किशोर युवक पर हमला कर दिया। बाघिन के हमला करते ही युवक जोर से चिल्ला उठा। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत से किशोर को बाघिन के चुंगल से छुड़ाकर अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि बाघ ने हमला किया है, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ एक टाइग्रेस भी घूम रही है और साथ साथ वो तेंदुओं से भी, कई तेंदुए भी वहाँ पर हैं, और जैसे बच्चे की जो चोटों के निशान दिख रहे हैं वो मुझे तेंदुए का ही आक्रमण लगता है, क्योंकि बाघ के आक्रमण के बाद किसी भी बच्चे की ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। मथुरा में बंदरों के आतंक का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर बंदरों के एक झुंड ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बंदरों के हमले से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। लोगों का कहना है कि ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी कई बार बंदरों का आतंक देखने को मिला है। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई।